दरअसल वास्तव में डीएक्स एन एक दिन में तैयार नहीं हुआ और इसे तैयार होने में कई सालों की मेहनत है हमने इसकी तैयारी 80 के मध्य से या उससे पहले से ही शुरू कर दी थी लोग मुझसे पूछते थे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत आप क्यों कर रहे हैं जबकि ये एमएलएम एम एक खराब छवि बिजनेस प्रणाली है जिसकी इमेज ठीक नहीं रही होगी मेरे विचार से एम एल एक औजार की तरह है जिसकी अच्छाई या बुराई उपयोग करने वाले पर निर्भर है कि वो उस औजार का उपयोग किस प्रकार कर रहा है जैसे चाकू को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते परंतु जिसके हाथ में चाकू है वो उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करता है सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल हुआ तो अच्छा है और किसी को मार कर लूटने के लिए इस्तेमाल हुआ तो ये बुरा है इसलिए अपने आप में खराब या अच्छा नहीं है बल्कि ये ये एक एक औजार औजार है है कि की की तरह है। की व्याख्या के लिए हमने कुछ समय लिया हम एक वास्तविक कंपनी है जो नैतिकता और विश्वास के योग्य है क्योंकि शब्द का अर्थ नैतिकता और विश्वास है जब एम एल एम हमारे हाथ में है ये एक अच्छा औजार है अपने ग्राहक को हम वितरक बनाते हैं और ये वितरक जंगल की आग जैसे फैलते चले जाते हैं जैसे मशरूम फैलते हैं पिछले तेईस वर्षों से फैलाव की ये प्रक्रिया जारी है और इसकी पुनरावृत्ति लगातार हो रही है और इस प्रकार डी की शुरुआत हुई डीएक्सएन अभी सफलता के पथ पर अग्रसर है हम विश्व के शीर्ष 25 और मलेशिया की सबसे बड़ी एमएलएम कंपनी है मुझे लोग पूछते हैं कि डीएक्सएन इतना कामयाब कैसे हुआ आप हमारी विशाल काय फैक्ट्री सेटअप और नेटवर्क देखिए यहाँ 60 लाख से भी अधिक सदस्य काम कर रहे हैं लोग पूछते हैं कि हमारी सफलता का राज क्या है सफलता का राज बहुत सरल है हमारे पास उत्पाद अच्छे हैं, एक अच्छी व्यवस्था है और हम ईमानदार हैं हम धोखा नहीं देते यही हमारी सफलता का कारण है जब दो कंपनी बाजार में प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो बाजार में किसकी जीत होगी ये जानने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाने या टॉस करने की जरूरत नहीं है और जो ईमानदार होगा जीत उसी की होगी और इसीलिए डीएक्सएन लगातार जीत रही है हमारी खुद की तकनीक है खुद का उत्पाद है और हम प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए हुए हैं हम अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सफल हैं, क्योंकि हम उत्पादक है और वो उत्पादक नहीं है इसलिए मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में हम मार्केट में अधिक प्रतिस्पर्धी हैं कोई कंपनी हमारी तरह निर्माता है लेकिन हमारे पास विशेष तकनीक है आप देख सकते हैं कि हमारे पास कई उत्पाद हैं जैसे आर जी जी एल कॉफ़ी हम बड़ी बड़ी हेम एल एम कंपनियाँ डी एक्स एन का अनुकरण कर लिंगजी कॉफ़ी बेच रही हैं हमारे पास ट्रॉपिकल स्पिरोलिना तकनीक है और हम बड़े पैमाने पर स्पिरोलिना का उत्पादन कर सकते हैं एंजाइम ड्रिंक का उत्पादन कर सकते हैं हमारे पास परिरक्षक रहित खान पान की सामग्री है हम लोग फ्रूट जूस और बहुत सारे टॉयलेट्रीज़ का उत्पादन भी अपनी तकनीक की सहायता से करते हैं तभी हम प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए हुए हैं और इसी कारण हम ईमानदारी से बिजनेस चला रहे हैं लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं इसलिए हम और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं यही डीएक्सएन की सफलता का राज है सबसे पहले मैं आपको बता दूं एम कंपनी में दो कैटेगरी हैं एक कैटेगरी व्यापारी की है और दूसरी जिनके पास खुद के उत्पाद हैं मेरे विचार में नब्बे प्रतिशत कंपनी व्यापार करती हैं और थर्ड पार्टी से सामान खरीदती हैं और ग्राहक को बेचती हैं ऐसी कंपनियां स्थिर नहीं हैं और कभी भी बंद हो सकती हैं हम लोग वास्तविक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं मैन्युफैक्चरिंग एमएलएम कंपनी में भी दो प्रकार है एक वो जिसके पास खुद की अपनी तकनीक है और दूसरी वो जिसके पास तकनीक नहीं है डीएक्सएन एक स्थिर कंपनी है क्योंकि इसके पास सारी तकनीक है हमारे पास गेनोडर्मा की तकनीक है स्पेरोलिना उगाने की तकनीक है, है एंजाइम जूस कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज सबके लिए तकनीक है डीएक्सएन एक वास्तविक एमएलएम कंपनी है और कंपनी की प्रक्रिया स्थिर है हमारा अपना प्रोडक्शन केंद्र है उत्पाद है मैन्युफैक्चरिंग है और हमारी खुद की डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है ये सब एक प्रोसेस सिस्टम के अंतर्गत है मैंने इंजीनियर होने के नाते इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट का उपयोग किया उदाहरण स्वरूप हमारे पास मार्केटिंग का कोड है जो प्रत्येक देश में समान है और यही इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है यही एक विश्व एक बाजार की अवधारणा है सभी देश सभी महाद्वीप के लिए एक समान मार्केटिंग प्लान है जो डीएक्सएन को बाकी एमएलएम कंपनी से अलग करती है हमारे पास तकनीक है अपना उत्पाद है और स्वयं की मार्केटिंग कोड है सभी एक छत के नीचे हैं। यही सारी चीजें डीएक्सएन को स्थिर बनाती है अच्छा अब दक्षिण एशिया में पिछले तेईस साल में तीन बार आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा अस्सी के दशक के अंत में भी ऐसा हुआ और उसके बाद उन्नीस में डीएक्सएन की स्थापना के पश्चात उन्नीस में और फिर 2008 में लेकिन इस मंदी में भी डीएक्सएन काफ़ी विकसित हुआ और मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा और हम स्थिर रहे अब आप, आप देख सकते हैं कि हाल ही में रिंगेट की वैल्यू आ, चार दशमलव चार पॉइंट से लुढ़क कर दो दशमलव तीन पर आ गया लेकिन ये हमें प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि सभी चीज़ें हमारी अपनी है हम आ, सैलरी या लेन देन रिंगेट में करते हैं इसीलिए ये हमें प्रभावित नहीं करेगा मैं यही बताना चाहता हूँ कि डी एक वास्तविक और स्टेबल कंपनी है जहां तक मुझे याद है ये 1999-2000 की बात है दक्षिण एशिया में अर्थव्यवस्था टूट गई थी इंडोनेशिया में दंगे हो रहे थे लोग दुकान चला रहे थे फैक्ट्रियाँ जला रहे थे और जब वे डी कार्यालय के करीब आए तो हमारे सदस्य जो हजार के करीब थे उन्होंने बीज बचाव करके उसे रोका तब मैं इंडोनेशिया गया जब वहां कोई नहीं जाना चाहता था हवाई जहाज में केवल तीन लोग थे मैं और दो एयर होस्टेस वो ट्रिप वाकई में अच्छा और यादगार था मैंने इंडोनेशियन सदस्यों से कहा कि डीएक्सएन यहां हमेशा रहेगी मुद्रा गिरे या उठे कोई घरों को बर्बाद करे आग लगाए हम यहां से नहीं जाएंगे जब हमने डीएक्सन आरम्भ कर दिया है फिर वहां से कोई वापसी नहीं है आपका पथ मुश्किल भरा हो या आसान आपका पथ सुरक्षित हो या असुरक्षित हमें इसकी परवाह नहीं हमें तो बस अपना काम करते रहना है डीएक्स uh, एन को छोड़ uh, बाकी की जो सारी मल्टी लेवल कंपनियां थी बंद हो गई क्योंकि मुद्रा लुढ़क रही थी बहुत सी एम एल एम सप्ताह सप्ताह महीने कीमत बढ़ा रही थी अंततः बंद हो गई एकमात्र डी एक्स एन ही वहां काम कर रही थी हम लोग रेफ्यूजी कैंप जैसे हो गए जहां लोगों की तादाद बढ़ रही थी सभी लोग सड़क किनारे लाइन लगाकर डीएक्सएन को ज्वाइन कर रहे थे एक महीने में लगभग तीस हजार से पचास हजार लोग डी एक्सएन से जुड़े हमें इस बात पर गर्व था कि अंततः इंडोनेशिया में हम सफल हुए और वहां से संपूर्ण विश्व में फैल गए वहां की आ, मीटिंग में पंद्रह हजार लोग आते थे थाईलैंड से भारत से फिलिपाइन से आ, वहां सभी पूरी दुनिया इकट्ठा देख रहे थे इतनी बड़ी मीटिंग के बाद उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और पूरे जोश के साथ वो काम करने लग गए थाईलैंड भारत फिलीपीन का मार्केट तेजी से बढ़ा और पूरी दुनिया में फैल गया हम लोगों ने उस समय सफलतापूर्वक चुनौतियों का सामना किया यही हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है देखिए डी एक स्थायी कंपनी है और किसी भी अच्छी कंपनी को सामाजिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए आ, इसलिए डी पिछले कई सालों से निरपवाद रूप से चैरिटी करती आ रही है हमने एम्बुलेंस और डायलिसिस मशीन दान किए हैं जब फिलीपींस में टाइफून आया अभी हाल ही में नेपाल में हमने वन टू वन डोनेशन किया यानी जब हमारे मेंबर एक डॉलर डोनेट करते थे डीएक्सएन भी एक डॉलर डोनेट करती थी जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व के कई देशों के बच्चे दुर्भाग्यवश कुपोषण का शिकार हैं जैसे पाकिस्तानी बच्चों को कुपोषण के कारण रात्रि दृष्टि की समस्या थी अगर रात्रि दृष्टि का इलाज नहीं किया जाए तो दृष्टिहीन होने का खतरा होता है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है इसीलिए हमने अपना प्रोडक्ट डोनेट किया पाकिस्तान में इंडिया में और अफ्रीका में आरजी, जीएल और स्पायरोना डोनेट किया गया हम लोग ये काम चुपचाप करते हैं और अन्य कंपनी की तरह हम लोग डोनेशन की चर्चा नहीं करते हम लोग बिना किसी शोर शराबे के दूसरों की मदद को हमेशा तैयार रहते हैं हमने इसके लिए बहुत काम किया है बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपना उत्पाद डोनेट करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस और कुपोषण एक बड़ी समस्या है लगभग 40 प्रतिशत भारतीय महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं और जब एक कुपोषित महिला गर्भवती होगी तो एक स्वस्थ बच्चा धारण नहीं कर सकती जो उसके भविष्य के लिए नुकसानदायक है ऐसे लोगों को हम अपना उत्पाद देते हैं अस्पताल के माध्यम से सदस्य के माध्यम से या मेडिकल कॉलेज के माध्यम से और इसीलिए बहुत सारे एलोपैथिक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर डी का सपोर्ट करते हैं वे डी एक्स एन के मार्केट रिजल्ट और कुपोषण से जंग की मुहिम को जानते हैं डी एक्स एन लोगों को वित्तीय बाधा से मुक्ति दिलाने का काम करती है और जहाँ तक मेरा मानना है कि डी एक्स एन ये सबसे अच्छा काम करती है इसे आप हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं हालांकि ये डायरेक्ट चैरिटी नहीं है लेकिन मेरे लिए ये सबसे बड़ी चैरिटी कही जा सकती है मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं एक दिन मैं दुबई के सुपर में था तभी एक फिलिपिनी महिला ने मुझे देखा और रोते हुए लिपट गई मैंने हैरानी से पूछा क्या हुआ वास्तव में डीएक्सएन से जुड़ने से पहले वो महिला 12 वर्ष से अपने घर फिलीपीन नहीं गई थी क्योंकि अपने घर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो अपने परिवार से नहीं मिल पा रही थी फिलीपीन के स्थानीय लोग ये समझते थे कि विदेश में रहती है तो अच्छे पैसे होंगे उसने बताया वो घर नहीं जा सकती थी अपने बेटे के लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकती थी डीएक्स से जुड़ने के बाद उस महिला ने तीन हजार से चार हजार दिराम तक कमाना शुरू किया जो लगभग हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर है बेशक इतने पैसे कुछ लोगों के लिए काफी नहीं है लेकिन बहुत से लोगों के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से अच्छी रकम है इस प्रकार वो महिला कपड़े तोहफे खरीद कर अपना आने जाने का टिकट लेकर अपने परिवार से मिल पाई इसलिए यह हमारे लिए सबसे बड़ी चैरिटी है और डी यही काम करती है एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको फाइटर जहाज का पायलट था जो हमारा डी का सदस्य था एक दिन प्रैक्टिस के दौरान प्लेन क्रैश हो गया घटना के बाद सरकार की ओर से परिवार को कोई मदद या पेंशन नहीं मिली क्योंकि डीएक्सएन बिजनेस से जुड़े होने के कारण पति का बिजनेस पत्नी के नाम पर ट्रांसफर हो गया और वो डीएक्सएन बिजनेस करने लगी पांच वर्ष में उसका बोनस लगातार बढ़ता रहा और मुझे याद है कि एक दिन उसकी बेटी मंच पर आई और स्टेज पर आकर उसने बताया कि अपने पिता को खो देना सबसे दुखद था लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि हमें डीएक्सएन मिला वे सही तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं इतना ही नहीं हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जहां परिवार के लिए रोटी कमाने वाला मर जाता है और डीएक्सएन मेंबरशिप उनके रिश्तेदारों को स्थानांतरित कर देता है जिसके माध्यम से वो पैसे की कठिनाई से बच जाते हैं और डीएक्सएन सिस्टम के कारण उनका भविष्य सुरक्षित होता है DxN के शुरुआती दिनों में जब यह कंपनी बहुत छोटी थी कोई भी कामयाब एमएलएम की जानकारी रखने वाले डीएक्सएन से नहीं जुड़े और जो जुड़े उनमें से कई दूसरी कंपनी में असफल रहे अब हमारे पास बहुत ऐसे मेंबर हैं जो पहले बैंक थे लेकिन डीएक्स से जुड़ने के बाद आज कामयाब हैं और सारे कर्ज चुकाने में सक्षम हो। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे माली ऑफिस बॉय जो कामयाब हुए आ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ताजुद्दीन का जो पेशे से माली था लोग उसे पूछते थे डीएक्सएन से जुड़ने से पहले आप क्या करते थे लोगों के बार बार प्रश्न पूछे जाने के कारण वो तंग आ चुका था और उसने एक दिन इंडिया में जब यही प्रश्न पूछा गया तो कहा कि डीएक्सएन से जुड़ने से पहले मैं पायलट था लोगों ने कहा वाह पायलट हाँ हेलीकॉप्टर पायलट लेकिन दुर्भाग्यवश हेलीकॉप्टर उल्टा हो गया और मैं वो घास काटने लगा तब वो डीएक्सएन से जुड़ने से पहले प्रतिमा दो सौ रिंगेट कमाता था लेकिन आज डीएक्सन की वजह से वो कामयाब है इससे पहले वो अंग्रेजी का एक वाक्य नहीं बोल पाता था और आज जोरदार अंग्रेजी बोलता है सभी जगह भ्रमण करता है और स्पीच देता है प्रेरणा देने वाली स्पीच मैं आप देखिए ये सब इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये डीएक्स से जुड़ने के बाद कैसे एक माली करोड़पति बन जाता है एक ऑफिस बॉय पैसा कमाने लगता है और आर्थिक रूप से कंगाल व्यक्ति करोड़पति हो जाता है ऐसी कई सच्ची और अच्छी कहानियां डीएक्सएन से जुड़ी हैं। अभी आ, मैं बताता हूं डीएक्सएन में पांच मिलियन सदस्य हैं। विश्व की सिक्स बिलियन जनसंख्या की तुलना में ये पांच मिलियन तो कुछ भी नहीं है मैं मैं कहता हूं कि ये सतह पर एक छोटी तरंग के जैसा भी नहीं है जिन लोगों ने अब तक डीएक्स की सदस्यता नहीं ली है मेरा सुझाव है कि डीएक्न से जुड़े इसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको बताता हूं। सर्वप्रथम डीएक्न एक प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखने वाली कंपनी है हमारे पास अपनी तकनीक है और डीएक्सएन जिंदगी जीने का एक रास्ता दिखाती है जब आप डीएक्सएन से जुड़ते हैं आपको विश्व भ्रमण का मौका मिलता है जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं आप DXN से जुड़े क्यूँकी ये एक वास्तविक एम एल एम कंपनी है DXN एन से जुड़ने के बाद आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी आप स्वयं को हर बाधा से स्वतंत्र पाएंगे जो DXN का एकमात्र लक्ष्य है DXN से जुड़ने के लिए पैसे नहीं लगते जुड़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए DXN से जुड़ना सरल है जहां आपको एक मेंबरशिप कार्ड दी जाती है और ये पूरे विश्व में उपयोग किया जा सकता है आप मलेशिया या यूरोप के सदस्य हैं तो भी आप अमेरिका अरब इंडिया किसी भी देश के लोगों को अपना मेंबर बना सकते हैं और ये सारी चीज़ें डी से जुड़ने को लाभकारी बनाती हैं अगर आप कंपनी के भविष्य को देखना चाहते हैं, तो इसके भूतकाल को देखिए आप इसके इतिहास के द्वारा ये जान पाएंगे कि अब डी कोई नई कंपनी नहीं रही DXN एक 25 साल पुरानी कंपनी बन चुकी है हम 20 से 23 साल से चलते हुए आज यहां आ चुके हैं और विकास की गति पकड़ चुके हैं DXN का भविष्य जानने के लिए आपको किसी विश्लेषक की जरूरत नहीं है किसी भविष्य वक्ता की जरूरत नहीं है भूतकाल में ए, DXN का एक विश्व एक बाजार की पद्धति लागू कर चुका है आ, हमारे पास वन प्रोसेस सिस्टम है और हमारा फोकस केवल डीएक्सएन को सफल बनाना है ये कह सकते हैं कि सारी प्रक्रिया एक साथ प्रभावी रूप से काम कर रही है और जो प्रभावी नहीं है उसे पहले ही बाहर कर दिया गया है इसलिए हम तेजी से विस्तार कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि हम एक मेच्योर कंपनी है हम जानते हैं कि मार्केट की आवश्यकता क्या है हम जानते हैं कि मार्केट के साथ कैसे बने रहें इसलिए डीएक्सएन का भविष्य उज्जवल है मैं सदस्यों से कहता हूँ कि हमने सतह पर केवल एक खरोच लगाई है वास्तव में डीएक्सएन की क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं भविष्य में जब डीएक्सएन की क्षमता का सौ फीसदी उपयोग होगा तो मैं समझता हूं कि हम लोग आज की तुलना में कई गुना कामयाब होंगे